उन्होंने कहा गीता का सार है त्याग। अब ये त्याग का क्या तात्पर्य है? क्या सभी सन्यासी हो जाएं, घर द्वार छोड़ दें, संसार छोड़कर कहीं एकांत में चले जाएं और तथाकथित भगवान का भजन करें? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं अर्जुन को द्वितीय अध्याय में क्या बताया था? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समूहूत्वा समत्वं योग उच्यते। कि देख अर्जुन, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता, योगस्थ होकर कर्म करना है। तो ये जो त्याग की बात है, जैसा आपसे निवेदन किया गया कि कर्मयोगी को फलासक्ति का त्याग करना है, कर्मयोगी को कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। और चौथे अध्याय में कहा गया सन्यास ज्ञान कर्म सन्यास योग। तो ये सन्यास क्या है? भगवती समर्पणम सन्यासम, आचार्य गण ऐसा कहते हैं। सन्यास माने छोड़ देना नहीं, अपने सभी कर्मों को भगवान में समर्पित कर देना, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, या प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करना। जो भी कर्म हम करें वो भगवान के लिए करें, जिससे हमारे जीवन में सुख दुख जो आए उससे हम बच सकें, ऊपर उठ सकें। क्योंकि सब कुछ हमने भगवान के लिए किया है, तो प्रभु सुख आया वो भी तुम्हारा, दुख आया वो भी तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा दासानुदास हूँ। इस प्रकार की भक्ति और अनासक्ति के द्वारा और दक्षतापूर्वक किया गया कर्म कर्मयोग और ज्ञान विचार, अरे ये अनित्य है, आने जाने वाला है, स्थाई नहीं रहेगा। इस प्रकार तो भगवान से अर्जुन ने जब पूछा कि जो श्रेयस्कर हो बताइए, तो सारी गीता में उसका जो उत्तर है, सरल भाषा में आपके हमारे व्यवहार के लिए, मनुष्य जीवन का परम श्रेय क्या है, मोक्ष क्या है? आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का परम कल्याण है। अब आप देखें, भगवान चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि मैं अर्जुन तुझको वही योग बताता हूं। कौन सा योग बताता हूं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इस योग को मैंने विवस्वत सूर्य को कहा था, और फिर परंपरा बता रहे हैं, तो इस योग को जो मैंने सूर्य को कहा तुझे बताता हूं। कौन से योग को? भगवान द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में ये बात कहते हैं। अर्जुन को उन्होंने सांख्य योग की बात कही द्वितीय अध्याय में, आत्मा के अमरत्व की बात, कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती आदि बात, और कैसे सहना चाहिए, समत्व रखना चाहिए आदि। तो भगवान, आपको स्मरण होगा 38वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कैसे कर्म कर। कर्मयोग का महान सूत्र तो गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में है, पर उसका प्रारंभ, ये सब विस्तृत चर्चा हो चुकी है। प्रारंभ भगवान ने 38वें श्लोक में कहा था, भगवान से जब कहा था कि देख सुख दुखे, अर्जुन से कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धाय युज्यसु न एवं पापम अवाप्स्यसि। ज्ञान योग की बात भगवान ने बता दी। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देख, ऐसी मन स्थिति जो विचार और ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है, ज्ञान योग से मनुष्य जिस ज्ञान के अनुभव के द्वारा स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वही ज्ञान कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगं त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन सुन, ये जो ज्ञान योग की बुद्धि मैंने तुझसे कही कि ज्ञान योग के द्वारा ऐसी मनुष्य स्थिति प्राप्त कर सकता है, वही इसको अब मैं योगे अर्थात कर्म योग के विषय में तुझे बता रहा हूं। शृणु यया बुद्ध्या युक्तः क्या होगा? कर्म बंधम प्रहास्यसि। सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्म योग की साधना के द्वारा स्थिर बुद्धि यदि तू हो जाएगा, तो इसके द्वारा भी तू कर्म के बंधनों को काट देगा, कर्म से मुक्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग में
कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, किंतु आपके हमारे लिए ये कर्मयोग राजमार्ग है। क्यों राजमार्ग है? भगवान कहते हैं, मैंने किसको बताया, कौन उसको जानते थे? राजर्षयो विदुहु, जो राजर्षि हो गए हैं, जो राजा थे और ऋषि भी थे, इन लोगों ने इस कर्मयोग को जाना है। तो आज के युग में और सतत ये रहा है, हम जो लोग संसार में रहते हैं, आप जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आपके हमारे लिए ये कर्मयोग राजमार्ग है। कर्म, ये कर्मयोग ज्ञान भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इस कर्मयोग के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए घर गृहस्थी के सारे दायित्वों को, संसार के सारे दायित्वों को निभाते हुए भी व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, हो सकता है। यही बात भगवान कहते हैं। अब यहाँ कुछ परंपराओं का वर्णन है। भगवान ने चौथे अध्याय में उस कर्मयोग को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ये बातें कही हैं। द्वितीय अध्याय का जो श्लोक आपके सामने रखा गया था, मैंने बताया था 48-49 श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुझे योगस्थ होकर कर्म करना है। कर्म तो करना है, आप हम सब कर्म करते हैं, किंतु योगस्थ होकर, योग में प्रतिष्ठित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए संसार में दुख पाते हैं, बंधन में पड़ते हैं। वही कर्म जब हम योग में प्रतिष्ठित होकर करते हैं तो हमारे जीवन में मुक्ति का साधन हो जाता है, और वह मुक्ति, जीवन मुक्ति इसी जीवन में मिल सकती है। फिर द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने इसी योग की दूसरी परिभाषा दी, जिसमें क्या कहते हैं, बुद्धि युक्तो, जिस बुद्धि की, समत्व बुद्धि की बात मैंने तुझसे कही अर्जुन, उस बुद्धि से युक्त व्यक्ति जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, इसी जीवन में मनुष्य अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को काट देता है, नष्ट कर देता है। शुभ कर्म भी हमारे बंधन के कारण है, अशुभ कर्म भी बंधन के कारण है। लोहे की सांकल भी हमको बांधती है, सोने की सांकल भी हमको बांधेगी। तो पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण, जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत को काटकर, तस्मात योगाय, इसलिए तो योग में प्रतिष्ठित हो, और योग कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना योग है। तो इस कर्म योग को, या ज्ञान भक्ति मिश्रित कर्म योग को भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरुक्ष्वा कवि अब्रवी। हे अर्जुन, मैंने इस योग को, इस अविनाशी योग को पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो क्या कहते, अहम इमम अव्ययम् योगम, यहाँ ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस अव्यय योग को, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, ऐसी बात नहीं है अर्जुन कि मैं पहली बार तुझसे ये बात कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आगे भगवान कारण भी बताते हैं, वो हम देख पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि यह अव्यय योग, अव्यय किसको कहते हैं, जिसका व्यय ना हो, जो खर्च हो जाता है वो व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अव्यय क्या है, जो कभी समाप्त ना हो, सदा बना रहे। तो यह योग, यह कर्मयोग, या मुक्ति का महान साधन ज्ञान भक्ति मिश्रित कर्मयोग अनादिकाल से है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है उसके भी पूर्व से। भगवान जैसे अनंत हैं, अनादि हैं, उसी प्रकार ये योग भी अनादि और अनंत है। इसलिए मैंने इस योग को पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, और उसके बाद ये परंपरा चली। यहाँ एक प्रश्न आता है, बाद में भी वो प्रश्न है, भगवान ने सूर्य को कहा। वैसे हमारा भौतिक सूर्य हमारे विश्व ब्रह्मांड का अधिकारण माना जाता है, सूर्य की शक्ति से ही हम सब लोग चलते हैं, संसार चल रहा है,
किंतु हमारी परंपरा में सूर्यवंशी जो राजा हो गए थे, भगवान राम का जिस वंश में जन्म हुआ था, ऐसे जो महान वंश के पुराने राजा हो गए थे, अत्यंत बहुत प्राचीन काल से जो राजवंश चला आ रहा था, जिन्होंने जीवन में साधना की थी, संसार का कर्म करते हुए जिन लोगों ने जीवन मुक्ति प्राप्त किया था कर्म योग के द्वारा, मुक्ति का लक्ष्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया था, जैसे राजर्षि जनक थे, जनक जैसे महान सम्राट महान राजा इस कर्मयोग के द्वारा मुक्त हुए, तो ये राजा लोग जो दिन रात कार्य में व्यस्त रहते थे, आप हम ऐसे कोई हैं जो इन राजाओं के समान व्यस्त थे? कोई नहीं है। उस समय के राजा लोग, उनको सारी शक्ति थी, प्रजापालन का सारा भार उनके ऊपर था, प्रजापालन करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए, अपने राज्य की देश की रक्षा करते हुए, उसकी समृद्धि की व्यवस्था करते हुए भी वो लोग इस योग में लगे रहे, कर्म करते रहे, और कर्म योग के द्वारा उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। यदि हम इस पर विचार करें तो विचार करके देखिए, जब ऐसे महान राजा, ऐसे सम्राट राज्य कार्य करते हुए, राजनीति में लिप्त रहते हुए भी इस कर्मयोग के आश्रय से महान पद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए भी वो संभव है। तो ऐसे जो राजर्षि थे उनको भगवान ने बताया, और कैसे हुआ? भगवान कहते हैं इस प्रकार, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेने महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों को मिला था, या राजर्षियों ने जाना था, पाया था, किंतु वह अव्यय योग बहुत काल बीत जाने के कारण, गुरु परंपरा में कहीं खंड आ जाने के कारण, राजर्षियों की परंपरा में खंड आ जाने के कारण वह नष्ट हो गया। नष्ट माने लुप्त प्राय, अव्यय योग नष्ट तो हो नहीं सकता है। ऐसी बहुत लंबी परंपरा राजाओं की चली, महान लोगों की चली, जिन्होंने राज्य कार्य करते हुए भी मुक्ति का पद प्राप्त किया, किंतु संसार में रहने पर संसार के प्रभाव से बचना कठिन हो जाता है। ऐसा भी समय आया कि जब ये राजा अपने राज्य कार्य में और उसके साथ अपनी संपत्ति आदि के भोग में लिप्त हो गए, लिप्त होने के कारण कर्मयोग का आदर्श उनकी आँखों से चला गया, उनकी बुद्धि में कर्मयोग का आदर्श नहीं रह गया, तो कर्मयोग का आदर्श न रहने के कारण फिर उनके जीवन में भोग आ गया, फिर उनके जीवन में संपत्ति के दोष आ गए, राज्य शासन का मद आ गया, और इसके कारण उनका जीवन नष्ट हो गया, रावण जैसे राजा हो गए। तो ऐसे जो असुर राजा बने वो क्यों बने? उनके जीवन में कर्मयोग नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं इस परंपरा में खंड होने के कारण यह योग नष्ट प्राय हो गया था, अर्थात लुप्त हो गया था। योग का जीवन में अभ्यास करने वाले लोग नहीं दिखे थे, इस कारण जनता को प्रेरणा नहीं मिली, लोग शिक्षा न ले सके। योग की शिक्षा वेदों में, पुस्तकों में तो थी, पहले भी थी, अभी भी है, किंतु जब हम उस योग को किसी व्यक्ति के जीवन में आचरित होते देखते हैं, तब हमें उससे प्रेरणा मिलती है। इसीलिए समय समय पर भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, ये चलाना सिखाते हैं, कैसे योग करना चाहिए। तो काल के कारण जो योग नष्ट हो गया था, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् हेतुत्तमम्। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे, तू मेरा भक्त और सखा है, यह योग मैं तुझे बताता हूँ। यह पुरातन योग है, पुराना योग है, कोई आज की बात नहीं है जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत उत्तम योग है, रहस्यपूर्ण है। आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें। कर्म योग में भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत बार लोगों की ऐसी धारणा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमको किसी गुरु की क्या आवश्यकता है, कर्मयोग के द्वारा हम अपनी उपलब्धि कर लेंगे। किंतु भगवान कहते हैं देखो, ये परंपरा टूट गई, परंपरा टूट जाने के कारण हम कर्म तो करते हैं, पर कर्म को योग कैसे बनाया जाए, वह रसायन
जिस रसायन के द्वारा हम कर्म तो करें पर उसके विष से बच जाएं। जैसा सपेरा सांप को पालता है, खिलाता है, पर उसके विष से वो बचा रहता है, उसी प्रकार कर्मयोग में भी हमें ऐसे महान संतों की आवश्यकता होती है जिन्होंने अपने जीवन में कर्मयोग का आचरण किया है। जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हम देख पाते हैं कि कितना इन लोगों ने कर्म किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कितना कर्म किया, इतना कर्म करने के बाद भी उससे वो अलिप्त रहे। आप सभी ने नाम सुना होगा समर्थ रामदास स्वामी, ये शिवाजी के गुरु थे। समर्थ रामदास जी ने बड़ी तपस्या की, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात जब उनको सिद्धि मिली तो 12 वर्ष से अधिक समय तक सारे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। सारे भारत का भ्रमण करके स्थान स्थान पर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाए। उत्तर भारत में गोसाई मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उन मंदिरों में या उन मठों में रहने वाले लोगों ने शिवाजी महाराज की बड़ी सहायता की थी। आगरे से निकलकर जब वो औरंगजेब की कैद से निकलकर दक्षिण जब वो जा रहे थे, उसी प्रकार शिवाजी महाराज की सेना में जो लोग आए, जो जागृति आई, बहुत अच्छे अच्छे सैनिक आए। शिवाजी को लगा कि ऐसे युवक कहाँ से आ रहे हैं, तो समर्थ रामदास ने जो अखाड़े स्थापित किए थे, जो मठ बनाए थे, उसमें से युवक आ रहे थे। क्या आवश्यकता थी समर्थ रामदास को करने की, वो तो सिद्ध पुरुष थे, किंतु लोक शिक्षा के लिए। उसी प्रकार कितने सैकड़ों उदाहरण हमारे देश में आप देख सकते हैं कि जहां लोगों ने जीवन भर कर्म किया, तो इस कर्म के माध्यम से जब उनके जीवन की उन्नति हम देखते हैं तब हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, कर्म करके हम भी ऐसे हो सकते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन से दिखा दिया, महात्मा गांधी ने अपने जीवन से दिखा दिया, और भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं किंतु जिन्होंने कर्म के द्वारा ही अपने जीवन को उन्नत और महान बनाया है। इसलिए आपको और हमको दृढ़ता पूर्वक ये बात पकड़नी है कि संसार में रहकर जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं कर्मों के माध्यम से, उन कर्मों को करते हुए हम मनुष्य जीवन का परम कल्याण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये जो परंपरा बनाई है उस परंपरा के लिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम ऐसे कर्मयोगियों का जीवन पढ़ें। आपके परिचितों में ऐसे कोई हो तो आप उनके पास जाएं, उनसे सत्संग करें और सत्संग करके कर्मयोग के रहस्य को जानने का प्रयत्न करें कि कैसे हम अनासक्त हों, कैसे हमारी फलाकांक्षा दूर हो, कैसे कर्मों के प्रति आसक्ति न हो। तो कर्मयोगी को भी सत्संग करने की आवश्यकता है, उसे भी इस प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए जिनके साथ संग करके उसके जीवन में कर्मयोग की प्रेरणा आए। आज तो 4-5 मिनट पहले ही आज की कथा या आज का प्रवचन मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं गला जरा मुझे साथ नहीं दे रहा है। अब रविवार को प्रवचन होते रहेंगे, आप लोगों की सेवा में मैं रहूँगा, और जब मैं नहीं रहूँगा तो भी कथा होगी, प्रवचन होंगे। किसी भी रविवार को आश्रम में कार्यक्रम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। समाचार पत्र वाले बहुत बार समाचार नहीं दे पाते, हम तो भेजते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, पर समाचार पत्र में समाचार आए या ना आए, जुलाई से मार्च तक आश्रम में ये सत्संग चलता रहता है। जनवरी उत्सव में आप देखते हैं उत्सव में चलता है, तो जुलाई से मार्च तक प्रत्येक रविवार को ये सत्संग चलता रहेगा। इसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, और श्रावण सोमवार अब जो प्रारंभ होगा तो उस दिन मंदिर में राम नाम होता है, ये शिव नाम होता है, उसमें भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आगामी रविवार आप सबको सादर आमंत्रण देकर आज की कथा यही समाप्त होती है। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।